हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, परफेक्ट फॉर वेडिंग सीजन एंड ओकेजन्स। आप किसी भी ओकेजन में इसको वेयर कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, और कोई भी कलर की ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि मैंने इस वाले मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे स्किन केयर में यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर। तो मैं यहाँ पे स्किन केयर भी इंक्लूड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्रॉपर पूरा एक मेकअप वाला वीडियो होने वाला है, तो इस तरह से मैंने इसको पैट कर लिया है फेस पे। बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे, एंड क्योंकि ड्राई स्किन है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सेरम। तो दिस इज़ गुड वाइब्स प्लस गोजी बेरी सेरम। तो मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉप्स लिया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो समर्स में आप बिल्कुल यहाँ पे स्किप कर सकते हैं सेरम। ड्राई स्किन वाले इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको फेस पे थोड़ा सा ग्लोई और ड्यूई फिनिश चाहिए। तो अच्छी तरह से अपने फेस एंड नेक पे भी इसको मसाज करेंगे, क्योंकि नेक पे भी मेकअप हम करने वाले हैं। और सिर्फ फेस पे सेरम अप्लाई करेंगे, नेक पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो नेक बहुत ज़्यादा डल लगने लगती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए। ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र जो आप समर्स में इजीली अप्लाई कर पाएँ। ऑयली स्किन वाले हैं तो आप, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत अप्लाई कीजिए, और अगर आपका फेस बेयर कर सकता है, ज़्यादा स्वेटी नहीं होता, तो डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बटर। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, टिंटेड लिप बाम है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, बस कलर है इसमें। तो ओके ओके सा प्रोडक्ट लगा मुझे इनिशियली, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट बाद में मैंने देखा कि बहुत अच्छा नहीं है, विंटर्स में तो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, नेक पे भी अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। प्राइमर इज़ मस्ट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्राइमर में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में लगती है और प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक चलती है। तो प्राइमर तो सभी लोगों को ज़रूर रखना चाहिए अगर आपको मेकअप करना पसंद है, और बहुत रेगुलरली अगर आप मेकअप करते हैं तो डेफिनेटली अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA का येलो करेक्टर। तो अगर आपकी जो डार्क सर्कल है वो थोड़ी सी कम है तो आप येलो करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लीजिए। अभी मेरा स्लीपिंग रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ज़्यादा देर तक सो नहीं पा रही हूँ, मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स और ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। तो मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ LA कलर्स का लिक्विड हाइलाइटर अपने फेस को थोड़ा सा ग्लोई और ड्यूई बनाने के लिए, क्योंकि इसको मैं पार्टी के लिए क्रिएट कर रही हूँ, ओकेजन्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ, तो बेस तो ग्लोई होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा है ये, 3 ड्रॉप्स मैंने यूज़ किया है जहाँ पे ज़्यादा हाइलाइटर बाहर आ गई है। तो इस तरह से इवनली अपने फेस पे स्प्रेड करूँगी और फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर अगर यूज़ करूँगी तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हैंड से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लिया फेस पे लाइट हैंडेडली। फिर फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। इस तरह से शेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम तक रखे रहने से जो फाउंडेशन है वो नीचे अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसमें मेरा शेड है सॉफ्ट बेज। तो इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है। अगर ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करूँगी तो हाइलाइटर बिल्कुल हाइड हो जाएगी, और ये वाला जो फाउंडेशन है आपको मीडियम कवरेज देता है, इजीली बिल्डेबल है ये वाला फाउंडेशन। तो मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, और जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए तो वेट करके ही यूज़ करना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे SFR के पैलेट से ये ब्लैक शेड यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारे आईब्रोज़ के प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे, और अगर आपकी डेंस आईब्रोज है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है ज़्यादा आईब्रो के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आईब्रो डेंस है। मेरी भी आप देख सकते हैं कि डेंस है, मुझे ज़्यादा फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड मैं जैसे ही फिल कर लेती हूँ तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाला लुक आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्पार्स एरिया है नहीं, टच वुड, एंड फिल करने से थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाला लुक तो ऑब्वियसली आएगा ही। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे कोकी का कंसीलर। तो ब्रश के फॉर्म में है और ज़रा ज़रा सा अप्लाई करूँगी। दिस इज़ सच अ अमेजिंग कंसीलर यू गाइज। अगर आपको कम रेंज में कंसीलर चाहिए जो आपको मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करे तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत ज़रा ज़रा सप्लाई कर रही हूँ, इवनली स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से सारे स्पॉट्स को हाइड करता है,
और इस तरह से मैंने इसको लाइक ब्लेंड कर लिया है। अभी ब्लेंड करूँगी तो आप इसका कवरेज भी देख लीजिएगा। सो लुक एट द कवरेज, बहुत अच्छे से जो है आपके फेस को ब्राइटन अप करता है। तो अगर आप ब्राइड हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो भी आप इस कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया अपने फेस पे, जहाँ कहीं पे भी मुझे ज़रूरत थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर। तो क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट क्योंकि समर का टाइम है तो थोड़ा सा मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, टी जोन एंड लाइक अंडर आई पे, सो दैट मेरा जो मेकअप है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि कोलकाता में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इशू होती है विंटर्स में, तो मैं ड्राई स्किन वालों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पाउडर से दूर ही रहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर एज अ सेटिंग स्प्रे। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो टोनर को थोड़ा सा अप्लाई करके इस तरह से वेट ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल भी ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करना है फेस पे। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये लाइट मॉव शेड को पिक करके अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। तो ये वाला पैलेट बहुत ज़्यादा लाइक बेस्ट सेलिंग पैलेट में आता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जनरली आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। दिस इज़ वेलवेट रोज़ पैलेट। सो इफ़ यू आर समवन जिसकी शादी होने वाली है, आपको एक अच्छा सा आई शेडो पैलेट चाहिए, तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं हिलारी रोडा के आई शेडो पैलेट से ये मरून शेड को पिक करके अपने आउटर वी पे धीरे धीरे पैट करते हुए प्लेस करूँगी, और साथ ही साथ इसको मैं इनर वी पे भी प्लेस करूँगी। तो मिडिल ऑफ माई आईज़ पे मैंने कोई भी आई शेडो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आज मैं हेलो आई क्रिएट करने वाली हूँ। तो लाइटली मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है अपने फर्स्ट वाले आई शेडो के साथ, और आउट की तरफ मैं इसको थोड़ा सा विंग करके निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है मिडिल ऑफ माई आईज़ पे, और यहाँ पे मैं एक मेटालिक सा लाइट पिंक शेड को पिक करके अपने लिट पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन सिल्वर जो आपको पसंद है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा मॉव और पिंक में आज आई शेडो चाहिए था, तो मैंने इसको अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने ब्रश पे सेम मरून शेड को पिक करके अपने लोअर आइज़ पे अप्लाई किया है, और इनर आइज़ पे मैंने वही बेबी पिंक कलर को पिक करके अप्लाई किया था। फिर मैं हिलारी अरोड़ा के आई शेडो पैलेट से ये ब्लू शेड को पिक कर रही हूँ। मैं ब्लैक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाता। थोड़ा सा ब्लू को मैं इस तरह से आउटर वी पे पैट करके अप्लाई करूँगी, ताकि मेरा जो आई मेकअप लुक है वो थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे आईलाइनर के लिए यूज़ किया है पर्पल का आईलाइनर, और थोड़ा सा मैं थिन विंग ड्रॉ करूँगी, और आउटर की तरफ मैं ज़्यादा इस तरह से ड्रैग करूँगी क्योंकि थोड़ा सा ड्रामेटिक आई लुक मुझे चाहिए था। और बहुत अच्छा आईलाइनर है, इफ़ यू आर समवन जिसको आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप स्केच लाइनर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे मेबलिन का काजल अपने आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। जस्ट 2/3 ऑफ माय आईज़ पे इसको अप्लाई करूँगी, पूरे आईलिड पूरे वाटर लाइन पे मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैशेस के लिए यूज़ कर रही हूँ एसेंस का लैशेस। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड लाइक सॉरी मस्करा, बहुत ही अच्छा मस्करा है, आपको जो है एक फुल वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके लैशेस को। तो हैवीली मैंने इसको कोट कर लिया है मेरे आई लैशेस पे। आप चाहें तो बाद में फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। फिर मैंने मैक्स एंड मोर के हाईलाइटर पैलेट से ये ब्राउन और पिंक शेड को पिक करके एज अ ब्रॉन्जर अपने चीक्स पे अप्लाई किया है, और अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पार्टी मेकअप लुक है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा शीन वाला ब्रॉन्जीनेस चाहिए था फेस पे। इस तरह से जॉस पे भी मैंने अप्लाई किया है, और डबल चिन को भी हाइड करूँगी, और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है क्योंकि ये एरियाज ऐसे होते हैं जो ठीक से विजिबल नहीं होते, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। फिर मैंने इसी की हेल्प से अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया है, एंड पिगमेंटेशन इज़ सो गुड यू गाइज, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है और बहुत अच्छी तरह से शेप देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ही अजीब लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश विच इज़ फ्रॉम मोडा कॉस्मेटिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइटली ही इसको बिल्ड करूँगी, ज़्यादा ब्लश मुझे नहीं अप्लाई करना है। इस तरह से अपवर्ड मोशन में मैं ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट फेस में एक लिफ्ट आए और थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप फ्लैट करके अप्लाई करेंगे तो फेस जो है बहुत ज़्यादा सैगी लगता है। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये वाइट शेड को पिक करके एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सच अ गुड हाईलाइटर, आई मस्ट से कि इतने कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के हाईलाइटर प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैंने इसको चीक बोन्स पे भी अप्लाई किया, यूजुअल प्लेसेस पे इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। इसका रिव्यू मैंने बहुत टाइम पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है,
ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ज़्यादा शिमर्स नहीं है, तो मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। और अप्लाई करने के बाद आप देख सकेंगे कि बहुत अच्छा ग्लोइनेस आ जाता है फेस पे। तो अभी जो सीज़न आने वाला है उसमें इस तरह का मेकअप लुक बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी ओकेजन अटेंड करना है तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाइलाइटर भी अलग से विजिबल नहीं होगी, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा फॉरहेड पे भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। तो अभी मेरे कुछ वीडियोस में कंटिन्यूअसली मैं इसी लिप लाइनर को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लाइक 12 शेड्स मिले थे, लाइक पूरा का पूरा सेट था। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी लाइनर परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लगती है एंड बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स हैं इसमें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ एलिटीन का लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है पिंक शो, तो ये थोड़ा सा पिंक एंड पर्पल काइंड ऑफ शेड है और थोड़ा सा सैटिन फिनिश देता है। प्रॉपर मैट तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा क्रीमी मैट है। उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉप अप कर रही हूँ आई एम्स्टरडैम की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड कैप्टिवेटिंग कायरो। थोड़ा सा अप्लाई करके इसको इस तरह से पैट करते हुए अपने पूरे लिप्स पे स्प्रेड करूँगी, क्योंकि बहुत ही ओपेक कवरेज ये देता है। ज़्यादा अप्लाई करने से मेरा जो फर्स्ट शेड है वो विजिबल भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। आई वॉन्टेड अ परफेक्ट मॉव आइज एंड मॉव लिप्स लाइक लिप्स काइंड ऑफ मेकअप लुक। तो इस वजह से मैंने इसी तरह का लिपस्टिक भी क्रिएट किया, लाइक अप्लाई किया है। और ये मेरा फाइनल मेकअप लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।